मैं हूँ योगिता। वेलकम टू आवर चैनल बोल्ड स्काई। हम नहाते समय बॉडी के सभी हिस्सों की सफाई करते हैं, लेकिन अक्सर नाभि की सफाई करना भूल जाते हैं। नाभि यानी बेली बटन, पेट का वो निशान होता है जहाँ जन्म के समय बच्चे की गर्भनाल जुड़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि नाभि में 76 तरह के बैक्टीरिया रहते हैं? ये बैक्टीरिया पसीना, डस्ट, साबुन और पानी के नाभि में जमने की वजह से पनपते हैं, जिसकी वजह से नाभि में बेहद अजीब सी बदबू हो जाती है। कई बार बेली बटन में बैक्टीरिया संक्रमण भी फैला देता है। नाभि में संक्रमण होने के कई लक्षण हैं, जैसे नाभि का लाल होना, उसमें खुजली होना, बेली बटन में दर्द होना, बेली बटन से किसी भी रंग का डिस्चार्ज होना और सूजन आना। यदि आप बेली बटन के संक्रमण से बचना चाहते हैं तो सफाई रखें। चलिए आप बात करते हैं कि बेली बटन की सफाई कैसे करें। बेली इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो नहाते समय रोजाना नाभि को धोएं। नाभि को ध्यान से व नरम उंगलियों के साथ साबुन से अच्छे से धोएं। ऐसे साबुन का इस्तेमाल करें जो बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता हो। बेली बटन की सफाई के बाद उसे गीला नहीं छोड़ें, बल्कि उसे नरम तौलिए से साफ करें। गीली नाभि में इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। नाभि में खुशबूदार टेलकम पाउडर का इस्तेमाल करें, जिससे नाभि में किसी भी तरह की बदबू नहीं रहेगी। स्पोर्ट्स वाले कपड़ों को नियमित रूप से बदलें, ऐसा करने से पसीना बार बार नाभि पर नहीं लगेगा। ढीले कपड़े पहने जिससे नाभि को हवा लगे। एक्सरसाइज के दौरान ऐसे कपड़े पहने जिनमें स्किन को सांस मिल सके और पसीना भी सोख ले। और ध्यान रहे, अगर बेली की सफाई रखने के बावजूद आपकी बेली बटन से गंदी बदबू आ रही है और दर्द तथा सूजन बनी हुई है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।